हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजला अग्रवाल आज आपको अपने चैनल आर्ट वाटिका के माध्यम से पिंडी वाले छोले बनाना सिखा रही हूँ, जिसको मैंने रात को ही भिगो के रखा था। जिसमें मैंने एक कटोरी छोले लिए थे और आधी कटोरी मैंने चने की दाल ली थी। चने की दाल मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैं छोले की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी पसंद करती हूँ। अब मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ। तो उबलने के टाइम मैं इसके अंदर एक पोटली बना के रखूंगी, जिससे कि इन छोलों का रंग काला है। जिसके लिए मैं एक मलमल का कपड़ा लूंगी, जिसके अंदर मैं एक चम्मच चाय की पत्ती डाल रही हूँ, फूल चक्री डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा कूट कर डालूंगी, जिससे कि बड़ी इलायची का जो फ्लेवर है अच्छा आए। दो चार काली मिर्च के दाने डाल रही हूँ, चार पीस मैंने लौंग डाले हैं, थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली है और एक दो मैंने क्रश करके तेज पत्ता डाल रही हूँ। इससे जो हमारे छोले का रंग फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। चाय की पत्ती से छोले हमारे काले होंगे और ये जो मैं सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ, इनसे छोले का जो फ्लेवर आएगा हमारा वो बहुत अच्छा आएगा। इसको मैं धागे के द्वारा टाइट कर लूँगी ताकि ये पोटली हमारी कुकर में छोले उबलते वक्त खुले नहीं। थोड़ा ढीला बांधेंगे इसको हम पोटली को। ये देखिए मेरी ये पोटली बिल्कुल तैयार है और ये मैं छोले में डाल रही हूँ। और मैं छोले उबालने के लिए जितना पानी की आवश्यकता है मुझे है, मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने उसमें अंदाजे से पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें चौथाई चम्मच खाने का सोडा डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे छोले अच्छी तरीके से गल जाएं। और एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, गरम मसाला भी डालूंगी हल्का सा। अब मैं इसको कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। इसमें कम से कम मैं 4-5 सीटी दूंगी और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए मैं फ्लेम धीमी आंच पे रख दूंगी इसको। वो धीमी आंच पे मैं 10 से 15 मिनट इसलिए रखना चाहती हूँ ताकि जो छोले हैं अंदर तक गल जाएं, वे हमें कच्चे से ना रहे, क्योंकि हमें पिंडी वाले छोले बनाने के लिए छोले एकदम गले हुए चाहिए। जब तक मेरे छोले ये उबल रहे हैं तब तक मैं आपको तड़का बनाना सिखा देती हूँ छोले का। और हम इस कढ़ाई में तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं तड़के के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालूंगी। अब मेरा घी ये गरम हो गया है तो मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालूंगी, नॉर्मल जीरा। थोड़ा सा मैं इसमें शाही जीरा डाल रही हूँ। थोड़ा सा हाजमे के लिए मैं हल्का सा इसमें अजवाइन डालना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, थोड़ा लहसुन का पेस्ट, थोड़ी कटी हुई हरी मिर्चें चलाएंगे, मसाले को भूनेंगे। हम लहसुन का गोल्डन ब्राउन होने तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं या छोले बनाते हैं, हमें जब तक वो मसाला ठीक से भुना हुआ ना हो वो हमें वो स्वाद नहीं आता है जो हमें चाहिए। देखिए अब हमारा इसमें लहसुन और अदरक भून गया है, तो अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, जिसमें 1 चम्मच जाएगा हरा धनिया पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने उबलते वक्त भी थोड़ा सा डाला था। ये मसाला हमारा जल ना जाए इसलिए मैं हल्का सा इसमें पानी ऐड करूंगी। अभी हमने इस मसाले को काफ़ी देर तक भुनना है, जब तक ये हमारा घी ना छोड़ दे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार जितना, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा खटाई डाल सकते हैं। अलग से मैं घी डाल रही हूँ कढ़ाई में और मैं उसके अंदर थोड़े से प्याज छोले के लिए भून रही हूँ। आप ये प्याज जो मैंने छोले का मसाला बनाया था उस मसाला डालने से पहले भी भून सकते हैं, मैं अलग से भून के डाल रही हूँ क्योंकि कई लोगों को प्याज पसंद नहीं होता। तो मैं ये रेसिपी इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी ने बिना प्याज लहसुन डाले भी छोले बना सकता है। देखिए अब मेरा ये प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको छोले का जो मैंने मसाला बनाया था, देखो इसका भी कितना अच्छा रंग आया है, इसमें ऐड कर दूंगी। मसाले में भी मैं इस प्याज को 2 मिनट के लिए भूनूंगी, हल्का सा घी छूट जाएगा। तब मैं उसके अंदर टमाटर पीस के रखे हुए हैं मिक्सी में, वो ऐड करूंगी। जो छोले बनाते हैं या जो सब्जी हम बनाते हैं, सबसे मेन काम होता है मसालों को भूनना। प्याज का भूनना, टमाटर का भूनना ज़रूरी होता है, तभी वो खाना हमारा देखने में भी सुंदर लगता है
और खाने में भी स्वादिष्ट बनता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है खाना बनाते वक्त कि मेरा खाना पौष्टिक भी हो, देखने में भी सुंदर हो और खाना स्वादिष्ट भी हो। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तब तक ये छोले गल गए हैं। अभी मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए मंदी आंच पे रखा हुआ है, वो इसीलिए कि मेरे छोले अच्छी तरीके से गल जाए। जब तक ये मेरा तड़का तैयार होगा तब तक मेरे ये छोले उबल जाएंगे। इसमें मैं हल्का सा थोड़ा सा काला नमक भी डालूंगी, काले नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है छोलों में। इसमें मैं NBDH नन भटूरे वाले दी हट्टी के चना मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच। ये छोले उबल गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें से जो मैंने पोटली बनाई थी चाय की पत्ती की, वो मैं निकाल रही हूँ, और मसाले की, ये देखिए उसको मैंने अलग निकाल के रख लिया है। अब ये हमारा मसाला भी तैयार है। अब मैं इसके अंदर छोले डालती जाऊंगी। छोले देखिए हमारे बिल्कुल गल गए हैं। चने की दाल जो मैंने डाली थी उसकी वजह से देखिए हमारी ग्रेवी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी और ठीक बनी है। मुझे छोले दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी छोले का, यही वाला। देखिए हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं इसको हरे धनिया से गार्निश करूंगी। ये छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलें, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।